नमस्ते दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप लोग देख रहे हो एक्सप्लोरर विशाल। दोस्तों, फिलहाल कुछ दिन पहले मैंने खत्म किया मेरा बांग्लादेश का इंटरनेशनल ट्रिप। तो उसके बाद मेरा जो बांग्लादेश का ट्रिप का जो वीडियो है, सो मेरा जो सब्सक्राइबर है, मेरे जो दोस्त है, दे ऑल लाइक इट। एंड जो लोग बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं बट दे आर नॉट राइट नाउ स्टेइंग इन बांग्लादेश, मीन्स जो बांग्लादेश का जो लोग बाहर में काम करते हैं इन दुबई, इन USA, इन UK, इन अदर सेपरेट कंट्रीज, वहाँ से भी बहुत लाइक आए, बहुत मैसेज आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू टू लाइक माई बांग्लादेश ट्रिप। सो इस सभी मैसेज और लाइक के बीच में एक और बहुत सारे मैसेज आए हैं फ्रॉम इंडिया कि भाई बांग्लादेश जाने का वीज़ा कहाँ से मिल सकता है। सो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना आज एक वीडियो बनाया जाए अबाउट द बांग्लादेश वीज़ा, कैसे आप एज अ इंडियन बांग्लादेश का वीज़ा आपको मिल सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यस दोस्तों, बांग्लादेश का वीज़ा कैसे आपको मिल सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा आपको, ऑल इन्फॉर्मेशन एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ ऑल ऑफ यू मैं आज बनाने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को पहले से लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और मेरा जो बांग्लादेश का ट्रिप अभी तक अगर आप नहीं देखा है, अगर आप प्लान कर रहे हो बांग्लादेश जाने के लिए, सो काइंडली दोस्तों एक बार देख लीजिए। होप सो बहुत ही जल्दी आप बांग्लादेश जाओगे एंड एक्सप्लोर द ऑल द ब्यूटिफुल प्लेसेस दैट आई हैव एक्सप्लोर्ड। सो चलिए गाइस, शुरू करते हैं, जान लेते हैं कैसे बांग्लादेश का वीजा आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट एनी मनी। दोस्तों, पहले तो आप ये जान लीजिए इंडिया में बांग्लादेश का एम्बेसी कहाँ कहाँ है। इन इंडिया देयर आर 4 सिटीज जहाँ पर बांग्लादेश का एम्बेसी है। नंबर 1 दिल्ली। सो गाइस, दिल्ली इज अवर कैपिटल, तो ऑफकोर्स दिल्ली में तो बांग्लादेश का एम्बेसी, क्या हर देश का एम्बेसी, बांग्लादेश का भी एम्बेसी दिल्ली में है। सेकेंडली है मुंबई में, मुंबई इज अवर फाइनेंशियल सिटी, मुंबई में भी बांग्लादेश का एम्बेसी है। एंड थर्डली है कोलकाता में, कोलकाता बांग्लादेश का एकदम नियरेस्ट शहर है, इसलिए कोलकाता से बहुत ही बांग्लादेश का लोग आते जाते हैं, इसलिए देयर इज अनदर एम्बेसी ऑफ बांग्लादेश इन कोलकाता। एंड फोर्थली है अगरतला, जो है त्रिपुरा का कैपिटल, वहां पर भी बांग्लादेश का एम्बेसी है। सो दोस्तों, अगर आप पहली बार अगर बांग्लादेश में जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया हुआ है। आप जो जो मिस्टेक इनिशियल जो पहले बार जाते हैं लोग करते हैं, वो मिस्टेक आप नहीं करना है। तो इत्मीनान से, ध्यान से पूरा वीडियो देखना, समझने की कोशिश कीजिए। और जो जो मिस्टेक के कारण आपका वीजा कैंसिल हो जाता है, वो मिस्टेक भी नहीं होगा अगर वीडियो अच्छी तरह से देख लेते हो। तो पहले गाइस, बांग्लादेश जाने के लिए आपको चाहिए कौन सा मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। द फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज गाइस पासपोर्ट। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, नेचुरली यू कांट गो बांग्लादेश। नेपाल के साथ हम लोगों का थोड़ा सा पॉलिटिकल रैप हुआ, इसलिए पासपोर्ट नहीं लगता है, बट बांग्लादेश जाने के लिए यू मस्ट नीड टू हैव योर पासपोर्ट। सेकेंड चीज़ है योर फोटोग्राफ। बट यहाँ पर एक गलती न्यू ट्रैवलर कर देता है, अगर नया पासपोर्ट आप पासपोर्ट लेके जा रहे हो विद फोटो लेके जा रहे हो, आपका फोटो होगा नॉट द फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटो जैसे हम लोग खींचते हैं, वहाँ पर आपका फेस का साइज होगा 80% ऑफ द फोटो। किसी भी स्टूडियो वाले को जाइए, वहाँ पर बोलने की ज़रूरत है जी आई एम लुकिंग फॉर द फोटो, आई एम गोइंग टू टेक द फोटो फॉर द वीज़ा। वीज़ा के लिए एक स्पेशल कैटेगरी का फोटो आता है, वहाँ पर फेस का साइज होता है 80% फोटो के अंदर, सिर्फ वही फोटो एक्सेप्ट होता है बांग्लादेश एम्बेसी में। थर्डली आपको ज़रूरत है एनी वैलिड डॉक्यूमेंट, मीन्स ID प्रूफ, आपका आधार कार्ड चलेगा, आपका वोटर कार्ड चलेगा, आपका पैन कार्ड चलेगा, कोई भी ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का ID प्रूफ आपके पास है, वो आपको ले जाना पड़ेगा। और फोर्थली आपको चाहिए आपका कहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर एड्रेस। सपोज मान लो आप अगर कोई दोस्त के घर जा रहे हो, कोई रिलेटिव के घर जा रहे हो, वहाँ पर कोई बांग्लादेश में कोई दोस्त रिलेटिव है, उस जगह का कंप्लीट एड्रेस आपको चाहिए। अगर कोई दोस्त रिलेटिव नहीं है, सो यू नीड टू शो योर बुकिंग, होटल बुकिंग का एड्रेस चाहिए, मीन्स ढाका में जाकर, बोरिशाल में जाकर, बांग्लादेश का जो दूसरे बड़े शहर है वहाँ पर कहाँ पर आप रुक रहे हो, कितना दिन रुक रहे हो, पूरा होटल का डिटेल्स, बुकिंग सब कुछ चाहिए एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग
योर वीजा। तो वीजा अप्लाई करने से पहले आपको करना पड़ता है एक फॉर्म फिलअप, डॉक्यूमेंट के साथ देना पड़ेगा एक फॉर्म फिलअप। फॉर्म फिलअप होता है एक स्पेसिफिक वेबसाइट में जाकर, वेबसाइट का मैं नाम यहाँ पर दे दूंगा, आप शायद नीचे देख सकते हो। तो उस वेबसाइट में जाकर आपको पूरा का पूरा फॉर्म अच्छी तरह से फिलअप करना पड़ेगा, वहां पर कोई गलती करना नहीं है, एक भी मिस्टेक आपका वीजा कैंसिलेशन हो जाएगा। फॉर्म फिलअप हो गया, आपका पासपोर्ट आ गया, आपका पासपोर्ट ले लिया आपने, फोटो ले लिया आपने, आईडी प्रूफ ले लिया आपने, और आपने कोई आपका जो जहां पर जा रहे हो वहां पर का जो एड्रेस है और प्रूफ है किस होटल का बुकिंग, होटल का एड्रेस आपने ले लिया, इस सभी को एक साथ में एक जगह पर आपको रखकर आपको जाना पड़ेगा आपका नियरेस्ट एम्बेसी। एज आई सेड दैट एम्बेसी है दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में और अगरतला में, कोई भी एक एम्बेसी में आपको जाना पड़ेगा, वहां पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। कोई भी पैसा वो लोग नहीं लेते हैं, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री आपको उसके बाद सबमिट करने के बाद। इफ दे हैव एनी डाउट अबाउट यू, आपको वो लोग पूछ सकते हैं किस पर्पस आप जा रहे हो, टूरिस्ट पर्पस जा रहे हो, किसी के साथ मिलने जा रहे हो, व्हाट इज द पर्पस, बिजनेस के लिए जाते हो, आपको ऑफ कोर्स बोलना पड़ेगा कि आप पर्पस में आप जा रहे हो। मैं गया था फॉर टूरिज्म, सो आई हैव सेड दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द टूरिस्ट वीजा। तो उसके बाद वो लोग आपको एक डेट देगा, मींस आपको सब कुछ जमा ले लेगा, आपको पासपोर्ट सब डॉक्यूमेंट्स आपको जमा ले लेगा, उसके बाद दे विल गिव यू अ डेट। डेट हो सकता है 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, इसका कोई फिक्स्ड शेड्यूल नहीं है, बट नॉट मोर देन 15-16 डेज। क्योंकि अगर आप जानते हो बांग्लादेश एक मुस्लिम कंट्री है, बांग्लादेश में जब ईद के टाइम में कोई मुस्लिम का जो रिचुअल के टाइम में ज़्यादा प्रेशर रहता है वहाँ पर, तो उस वक्त पास वीज़ा का जो पास रिटर्न वीज़ा मिलना थोड़ा सा लेट हो जाता है, 10-12 दिन भी लग सकता है। बट ऐसे ही अगर नॉर्मल टाइम में जा रहे हो 3 दिन 4 दिन 5 दिन में भी आप वीज़ा मिल जा सकता है। ये था बेसिकली ओवरऑल आइडिया अबाउट बांग्लादेश। अब अगर आप बांग्लादेश जा रहे हो, आपको ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ये जगह पे चाहिए, और टूरिस्ट वीज़ा बांग्लादेश गवर्नमेंट देता है फॉर 60 डेज, 30+30 फॉर 60 डेज के लिए आपको मिल सकता है बांग्लादेश का टूरिस्ट वीज़ा इफ यू आर इंडियन। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आप पहली बार बांग्लादेश जा रहे हो, आपको वीजा मिलने के बाद एक प्रॉब्लम आपको आ सकता है व्हाइल यू आर क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये शायद कोई वीडियो में आपको नहीं मिलेगा, दिस इज द सीक्रेट इंफॉर्मेशन तो नहीं है, बट लोगों को पता नहीं है, किसी भी वीडियो मैंने नहीं देखा, यूट्यूब में ये इंफॉर्मेशन दिया गया है। सपोज आप किसी भी देश में जाओ, आपका जो आईडी प्रूफ शो होता है आपका पासपोर्ट, बट आप इंडिया से जब बांग्लादेश जा रहे हो, इफ इट इज योर फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार टूरिस्ट वीजा में बांग्लादेश में अगर जा रहे हो, आपको पासपोर्ट के साथ ले जाना पड़ेगा आपका एक दूसरा कोई आईडी प्रूफ का ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी, लाइक योर आधार हो गया, पैन हो गया, वोटर कार्ड हो गया, कोई भी एक आप ले सकते हो। बिकॉज जब मैं बांग्लादेश जा रहा था, मैंने देखा मेरे जो साथ के एक 2-3 जो लोग थे लाइन में, पहली बार जा रहे थे, उन लोगों को कोई नहीं बताया ऑल दिस थिंग्स, दे हैव फेस्ड अ क्रिटिकल प्रॉब्लम। वहां पर क्या हो चुका था, उन लोगों को रोक दिया गया है बांग्लादेश से, इंडिया से तो क्रॉस हो चुका था, बट बांग्लादेश एम्बेसी ने उन लोगों को रोक दिया, उन लोगों को घर में फोन करके, मेल करके, उन लोगों को फिर से डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट सॉफ्ट कॉपी लाना पड़ा। सब सोच सकते हो जब आप ट्रेवल कर रहे हो, ये फालतू का हैरेसमेंट है। तो पहले ही आपको मैं बता दे रहा हूं, अगर आप पहली बार बांग्लादेश में अगर जा रहे हो, साथ में जरूर जरूर पासपोर्ट तो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट, एज अ सेकेंड डॉक्यूमेंट आपको ले जाना पड़ेगा आपका राशन कार्ड और आपको वोटर कार्ड, आधार कार्ड, कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको साथ में ले जाना जरूर पड़ेगा। एक और चीज जो वीजा प्रोसेसिंग के अंदर में नहीं आता है, बट मैं चाहता हूं, मैंने जो प्रॉब्लम फेस किया दैट आई वांट टू शेयर विद यू। बांग्लादेश का जो एम्बेसी है कोलकाता पार्क सर्कल स्टेशन से 2-4 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो मुझे पता था, मैंने सुने थे फ्रॉम सम ऑफ माय फ्रेंड्स दैट वहां पर बहुत लाइन पड़ जाता है। सो मैंने सुबह 4-4:30 बजे के अंदर मैं वहां पर पहुंच गया था टू गिव द लाइन, पर वहां पर जाकर मैंने फेस किया क्रिटिकल प्रॉब्लम बाय द लोकल पीपल। वहां पर लोकल दलाल बहुत है जो आपको काटने की कोशिश करेगा, आपको जेब काटने की कोशिश करेगा, आपको उल्टा सीधा समझाएगा, आपके लिए पैसा लेने की कोशिश करेगा, पर आपको इस चक्कर में पड़ना नहीं है गाइस। किसी भी दलाल के, किसी की ब्रोकर के चक्कर में मत पड़िए, जस्ट डायरेक्टली ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप करके फॉर्म को ले लीजिए, आपका पासपोर्ट डॉक्यूमेंट्स फोटो सब कुछ साथ में ले लीजिए, लाइन में खड़े हो जाइए, पर वहां पर भी 3-4 लाइन आपको मिलेगा। सीनियर लाइन में खड़ा नहीं होना है, बिकॉज अगर आप 60 से नीचे हो, इफ यू आर
एजेस अंडर 60, अगर सीनियर लाइन में देखोगे थोड़ा सा कम क्राउड है, अगर सोचे चलो यार कम क्राउड है वहाँ पर जाके हम लोग वहाँ पर जाके लाइन दे दे, बट जब काउंटर खुलेगा आपको उस लाइन से भगा दिया जाएगा बिकॉज यू आर नॉट द सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के लाइन में आपको नहीं जाना है, आपको जाना है नॉर्मल लाइन में। तो नॉर्मल लाइन पहले ही रात से मीन्स एक दिन पहले ही रात से लोग जब देखोगे वहाँ पर जाकर लोग इंतजार कर रहे हैं फॉर द लाइन, वहाँ पर जाकर रुक जाना है एटलीस्ट 4-4:30 बजे तक आपको वहाँ पर पहुँच जाना है, वहाँ पर आपको रुकना है। उस लाइन के पीछे आप जाओगे 4-5 बजे भी जाओगे आप देखोगे ऑलमोस्ट 200-250 लोग वहाँ पर ऑलमोस्ट आपको मिलेगा, आपके आगे ही वो लोग बैठे हैं। सो इट्स अ ह्यूज क्राउड ओवर देयर बिकॉज इंडिया बांग्लादेश बहुत ही फ्रेंडली नेशन है, बहुत लोग आते जाते हैं मेडिकल वीज़ा में, टूरिस्ट वीज़ा में, बिजनेस वीज़ा में, सो देयर इज़ अ ह्यूज लाइन ओवर देयर। सो गाइज ये था पूरा बांग्लादेश की इन्फॉर्मेशन, आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ पर आपको वीज़ा मिलेगा, एम्बेसी का एड्रेस आपको मिल चुका है, आपको बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम में आपको जो एक्स्ट्रा आईडी प्रूफ लगता है ये पूरा इन्फॉर्मेशन था। ये सब इसके अलावा कुछ भी नहीं लगता है, अगर कोई भी आपके 100 रुपये भी मांगे डोंट गिव इट बिकॉज बांग्लादेश का वीज़ा है एब्सोल्युटली फ्री है गाइज। सो गाइज ये वीडियो होप सो आपको हेल्प करेगा बांग्लादेश का वीज़ा मिलने के लिए। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और एक छोटा सा रिक्वेस्ट, बांग्लादेश का जो मेरा जो ट्रैवल का टोटल वीडियो का सीरीज है मैं वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर देखना। ऑफ कोर्स गाइस यू विल लाइक ऑल दिस वीडियो। सो चलिए दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।